आज मैं बनाऊंगी साबूदाने वड़ा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले 1 कप साबूदाना ले लेंगे एक बाउल में। उसको 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। मैंने साबूदाने को अच्छे से धो लिया है। अब इसको हम ढक के 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। हमें पानी उतना ही डालना है कि साबूदाने के लेवल तक हमें पानी चाहिए। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम। अगर हम पानी ज़्यादा डालेंगे तो हमारा साबूदाना गीला गीला हो जाएगा, अच्छे से हमारा बड़ा नहीं बन पाएगा। 2 घंटा हो चुका है, अब हम देखते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हम साबूदाना लेंगे, फिर अदरक का पेस्ट लेंगे, फिर धनिया पत्ता लेंगे, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, फिर मिर्ची लेंगे, मूँगफली लेंगे, मूँगफली को हमने रोस्ट कर लिया है, थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, जीरा लेंगे, फिर 2 आलू लेंगे, उसको मैंने बॉईल कर लिया है, और सेंधा नमक लेंगे। क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए हम सेंधा नमक खाते हैं, इसलिए मैंने सेंधा नमक लिया है। पहले मैंने जो रोस्ट किया था मूँगफली, उसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा महीन पे नहीं बनाएंगे, पाउडर के फॉर्म में नहीं बनाएंगे, खड़ा खड़ा थोड़ा छोड़ देंगे। ये देखिए, मैंने ये मूँगफली को पीस लिया है। इस तरह हम पीसेंगे, हमको ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए, ये साबूदाना फूल के इस तरह से रहेगा, और हमें पानी सोच के और समझ के डालना है ताकि हमारा साबूदाना एकदम में ऑब्जर्व हो जाए, पानी एकदम ख़त्म हो जाए उसके अंदर ही, तभी साबूदाना बड़ा अच्छा बन पाएगा। चलिए तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या डलेगा। फिर हम अदरक डालेंगे, साबूदाने में हम अदरक डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जीरा डालेंगे, मूंगफली पाउडर डालेंगे। अब मैं हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हमने जो मसाले डाले हैं और मूंगफली डाला है अच्छे से एक दूसरे से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं आलू डाल दूँगी, बॉईल किया हुआ आलू है ये, 2 आलू लिया था मैंने। अब इस आलू को भी मैं हाथों की मदद से अच्छे से साबूदाने में मिक्स कर दूँगी। आलू भी मेरा मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं नमक डाल दूंगी, सेंधा नमक, और धनिया पत्ता डाल दूंगी, और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे सबको। ये देखिए, मैंने सब मिक्स कर दिया है अच्छे से, सब एक दूसरे से मिक्स हो चुका है। अब मैं बड़ा बनाऊंगी। चलिए देखते हैं बड़ा किस तरह से बनाते हैं। पहले हाथ में हम थोड़ा तेल लगा लेंगे, बड़े के आटे को थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और उसके बाद हम गोला बना लेंगे। मैं छोटा छोटा गोला बना रही हूँ। अगर आपको बड़ा बड़ा गोला बनाना है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कितना बड़ा बड़ा गोला बनाना है, उस तरह से आप पूरा गोला को बना के तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए, हमने सारा गोला बना लिया है। अब हाथ को हम धो लेंगे, उसके बाद दोनों हाथों की मदद से इस गोले को हम थोड़ा दबा देंगे, टिक्की के स्ट्रक्चर में आ जाएगा। मैंने ये बड़ा बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसको तलेंगे, कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। अब मैं चेक करूंगी कि हमारा तेल गरम हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा साबूदाने का टुकड़ा लेके उसमें डालेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा तेल गरम हो गया है। हम तेल गरम हो चुका है। अब मैं एक एक करके बड़े को इसमें डालूंगी, और कम आँच पे, कम फ्लेम पे आप इसको अच्छे से तलेंगे। चम्मच की सहायता से हम धीरे धीरे पलटते रहेंगे ताकि हमारा दोनों तरफ का कलर एक जैसा हो और पक जाए अच्छे से। ये देखिए, ये साबूदाना वड़ा बनके तैयार हो गया है, पक चुका है, कलर भी बहुत अच्छा आया है, काफी सुंदर लग रहा है।
अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए साबूदाना वड़ा बनके तैयार हो गया है, वो भी व्रत वाला साबूदाना वड़ा। इसको आप धनिया की चटनी या फिर मूंगफली की चटनी के साथ सर्व करें और खाएं और इंजॉय करें। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार क्लिक किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।